दोस्तों WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल एक ऐसा टाइटल है जिस टाइटल को WWE का हर एक रेसलर अपने करियर में हासिल करना चाहता है, पर कुछ ही ऐसे रेसलर होते हैं जो इस टाइटल को हासिल करने में सफल हो पाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको WWE के 5 ऐसे रेसलर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल अपने नाम की है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल रेसलिंग बॉस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। नंबर 5, दी रॉक। दोस्तों, हॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले दी रॉक कभी WWE का एक बड़ा नाम हुआ करते थे। दी रॉक ने अपने रेसलिंग करियर में 17 चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम करी है, जिसमें से 10 वर्ल्ड टाइटल हैं। दी रॉक 2-time WCW चैंपियन और 8-time WWE चैंपियन रहे हैं। इन्होंने अपनी आखिरी चैंपियनशिप रॉयल रंबल 2013 में जीती थी CM पंक को हरा के। नंबर 4, एज। दोस्तों, रेटेड आर्ट सुपरस्टार एज ने अपने रेसलिंग करियर में 31 अलग अलग चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम करी है। एज 7-time WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और 4-time WWE चैंपियन रहे हैं। इन्होंने अपनी आखिरी चैंपियनशिप जीती थी साल 2011 में डॉल्फ जिगलर को हराकर। नंबर 3, ट्रिपल एच। दोस्तों, WWE कंपनी के CEO और दी गेम नाम से मशहूर रेसलर ट्रिपल एच का रेसलिंग करियर काफी लंबा और शानदार रहा है। इन्होंने अपने रेसलिंग करियर में 24 चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम करी है और ये सेकेंड ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रहे हैं। ट्रिपल एच 14-time WWE चैंपियन रहे हैं, जहां 5-time में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और 9-time WWE चैंपियन रहे हैं। नंबर 2, रैंडी ऑर्टन। दी वाइपर रैंडी ऑर्टन अपने खतरनाक रेसलिंग की वजह से पूरे WWE यूनिवर्स में जाने जाते हैं। रैंडी ऑर्टन हाल ही में हेल इन अ सेल पेपरव्यू में ड्रू मैकइंटायर को हराकर बन गए 14-time WWE चैंपियन, जहां ये 5-time WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और 9-time WWE चैंपियन रहे हैं। वैसे अभी रैंडी ऑर्टन का करियर काफी लंबा चलने वाला है, हो सकता है वो आगे चलकर इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाएं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है दोस्तों जॉन सीना, जिन्होंने अपने रेसलिंग करियर में 25 चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम की है, जिसमें से 3 WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल और 13 WWE चैंपियनशिप टाइटल है। दोस्तों, इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं रेसलर का नाम है जिन्होंने WWE टाइटल अपने नाम की है। इस लिस्ट में हल्क होगन और रिक फ्लेयर का नाम भी शामिल हो सकता था, पर उन्होंने WCW और WWE टाइटल दोनों को जीता था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल रेसलिंग बॉस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।